देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा बहुत चल रही है। आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। केंद्र सरकार ने वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की है जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होगी। कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा और हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। इन सारी चीजों का जिक्र करेंगे, उससे पहले आप ये समझिए कि कमेटी का गठन ऐसे समय में किया गया है कि जब केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी शामिल है। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लेते हैं कि आखिरकार ये क्या है और बीजेपी को इतना खास क्यों है। बड़ा पेचीदा पॉइंट है ये। एक देश एक चुनाव का आइडिया देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और राज्यों यानी कि सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। दोनों चुनाव के लिए संभवतः वोटिंग भी एक साथ या फिर आसपास ही होगी। वर्तमान में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव सरकार 5 साल में कार्यकाल पूरा होने पर या फिर कई कारणों से विधायिका के भंग हो जाने पर अलग अलग तरीके से कराए जाते हैं। इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी है कि बीजेपी के लिए ये खास क्यों है, वन नेशन और वन इलेक्शन। सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सोशल मीडिया में ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे कई नेता मौकों पर देश के एक साथ चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। 2014 में तो ये बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी हिस्सा बना हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र के पेज नंबर 14 में लिखा था, बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति में काम करेगी या कोशिश करेगी, ऐसा लिखा गया था। घोषणा पत्र के मुताबिक इसमें चुनाव खर्चों को कम करने के लिए अलावा इसके अलावा भी लिखा गया कि सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित होगी, यानी कि सही तरीके से काम कर पाएंगे जो चुनावी लोग हैं। एक साथ चुनाव कराने के क्या फायदे हैं, जरा आप ये भी बारीकी से समझिए। जब इन बातों को आप समझ ही रहे हैं, देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से समर्थन में सबसे मजबूत तर्क अलग अलग चुनावों में खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में कटौती करना है। एक रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का खर्च और केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से खर्च की गई दोनों रकम शामिल है। अब जरा इसके बाद समझिए, एक साथ चुनाव के समर्थन में एक तर्क दिया जाता है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। चुनाव के दौरान अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लगे होते हैं और इससे सामान्य प्रशासनिक काम पर असर पड़ता है जो आम जनता को भोगना पड़ता है और देखना पड़ता है। अब क्या हुआ कि विधि आयोग ने भी इसका मतदान बढ़ने का अनुमान जताया है। कैसे, पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। चुनाव के चलते इन राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी जाती है जिससे उस दौरान लोक कल्याण की नई नई योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और एक साथ चुनाव होने से केंद्र और राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों में बढ़ोतरी होगी, ऐसा भी माना जा रहा है। विधि आयोग ने यह भी कहा है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदान में वृद्धि होगी क्योंकि वोटर्स के लिए एक बार में वोट देने के लिए
निकलना ज्यादा सुविधाजनक है। ये भी बात पूरी कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। अब एक देश एक चुनाव के लिए क्या करना पड़ेगा, सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है भारत की तरफ से। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद में साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना होगा। आइए जानते हैं कि इसके बाद क्या क्या बदलाव होंगे जो मैंने दो पहले बताए और इसके बाद भी समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन चाहिए होगा, यानी पहले देश के 16 राज्यों की विधानसभा में इसके प्रस्ताव को पास करना होगा। इसके बाद में बिल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ही लाया जा सकता है, उसमें बदलाव करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करना होगा। एक साथ चुनाव को लेकर आशंका है, कितने लोगों में आशंका है जरा आप समझिए। क्षेत्रीय दलों का बड़ा डर यह है कि वे अपनी स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब इसका सर्वे क्या कहता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है कि जब कोई बिल आता है तो बिल आने के पहले सर्वे होता है कि इसके क्या क्रिया और प्रतिक्रिया मायने रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक IDFC संस्थान के 2015 में किए गए एक सर्वे के हवाले से बताया गया है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 70% संभावना है कि मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। वही चुनाव 6 महीने के अंतर पर होते हैं तो इसमें केवल 61% ही मतदान एक पार्टी को चुनेंगे। ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इन सारी चीजों के बीच में कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये सारी प्रक्रिया इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर थी। अब आपके दिल और दिमाग में क्या सवाल उठता है या इन चीजों को लेकर क्या जवाब देने की प्रतिक्रिया होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी बात रखें, क्योंकि आप देश के वो युवा हैं, वो शिक्षित वर्ग से आते हैं कि जो शायद आपके क्रिया और प्रतिक्रिया से सरकारें बनती हैं और देश भी चलता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर इस वजह से करें क्योंकि लोग ये जान पाए कि वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर आल पर क्लिक जरूर करें और हमारे Facebook, Twitter और Instagram को भी आप फॉलो करें। हालांकि जो Instagram पर आपका प्यार मिल रहा है वो वाकई में बढ़ोतरी के लिए एक ऊर्जावान स्थिति को जन्म दे रहा है। नमस्कार।